थैंक यू। आप कुछ बताना चाहिए कौन से डिजाइनर से आपने लिया? सब डिजाइनर से नहीं होता, ये घर पे था और यहाँ पे पार्टी थी, मुझे पता था कि इट्स नॉट, बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग यहाँ पे थे सो आके। तो आपने कुछ बता दिया है अभी जो नया शुरू बता दीजिए वो तो सरप्राइज है, नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपको पता लगेगा। बता दीजिए थोड़ा क्या है, रोमांटिक नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स, रोमांटिक नहीं है, यूथ शो है और तीन कजिन्स का है, सो आई थिंक आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आइए सर प्लीज प्लीज। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्पेशल गेस्ट ऑफ द इवनिंग, सर क्या कहना चाहिए, साल एंड होने जा रहा है और पार्टी रखी गई है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, ये पार्टी हुई है इसी बहाने, सबसे दोस्तों से मुलाकात हो रही है, बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सारे दोस्त यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। एंड पार्टी तो हम मना ही लेते, न्यू ईयर है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, लेकिन कलाकार जो भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, सब शूटिंग के बाद यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नया साल शुरू होने जा रहा है, तो क्या तैयारी है नए साल के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने का इरादा है, कुछ सोचा है? हाँ सोचा तो है, एक नया रोल एक्सप्लोर करने का इरादा है, एक एक्टर तो यही सोच सकता है ना, एक एक्टर और क्या करेगा, जानना चाहते हो कौन सा रोल है? नहीं 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 नहीं, ये रैप है, ये गिफ्ट है, देखो मेरे को खुद को गिफ्ट देनी है, आप लोग को बाद में पता चलेगा क्या, वो धीरे धीरे जनवरी आएगा फिर रिलीज होंगे कुछ, सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, आपकी मुस्कान बता रही है। ओके, नए साल में कुछ पार्टी करते हैं आप या मतलब फैमिली के साथ? पार्टी करता हूँ फैमिली के साथ ही करता हूँ, ताकि पूरा साल फैमिली के साथ बीते, एक त्यौहार जैसा ही है, फैमिली के साथ जब भी आप होते हो ऐसा लगता है त्यौहार ही है, फिर भले कुछ सादा खाना हम खा रहे हैं साथ में बैठ के या बाहर जाके खाना खा रहे हैं, और ये तो न्यू ईयर है, तो मुझे लगता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ होना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स लोगों से मिलना पसंद है, और सच बोलूँ तो लाउड म्यूज़िक मुझे पसंद नहीं है, पार्टी ओके वो घर वाली अच्छी रहती है, वो म्यूज़िक अच्छा सा लाइट सा चल रहा है, गज़ल वज़ल वाला जो होता है ना, मैं इंसान ही यूनिक हूँ एक्चुअली। पता चल रहा है, हाँ मतलब गज़ल, मतलब आई मीन लाइट म्यूज़िक, रोमांटिक सॉन्ग्स, एवरलास्टिंग लव सॉन्ग्स प्लीज। और नया साल शुरू होने जा रहा है, कुछ तैयारी है पार्टी या फैमिली के साथ आप मना रहे हैं? मैं अपनी माँ के साथ गुजारता हूँ नया साल, ब्यूटीफुल फीलिंग एक्चुअली, उसके बाद मैं घूमने उमने जाता हूँ अलग है, बट 31st नाइट आई एम विद माय मदर। नए साल में कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ नया कैरेक्टर के बारे में सोचा आपने कि हम ये कैरेक्टर करना चाहते हैं? कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा काम मिलता जा रहा है, अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं, आई एम हैप्पी इन लाइफ। मेरे शो में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, आपको जैसे पता ही है बातें कुछ अनकहीं, मैं इंद्रनील प्ले कर रहा हूँ, तो वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अब मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि आगे चल के ना मैं एकदम एक साइको विलन बन जाऊँगा, तो वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है आगे चल के, तो आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता, नहीं तो राजन सर, मैं सबको परेशान करूँगा लाइन से, पूरी करमरकर फैमिली को करूँगा, पूरे मल्होत्रा उसको करूँगा। माई प्लेजर, माई प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम क्या कहना चाहोगे, काफी दूर से आप आए, शूट मतलब बहुत दूर और समय देना बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहना चाहोगे पार्टी के लिए आपने टाइम दिया? बिल्कुल, शूट हमारा बहुत दूर है, सच्ची बात है, या मीरा रोड में हमारा शूट है, ये अलग बात है, अभी मैं भी उसी साइड कहीं शिफ्ट हो गई हूँ, बट येस इट इज़ ऑलवेज फन टू यू नो अटेंड सच पार्टीज, IWM बस की पार्टी है, ऑब्वियसली बहुत पुराना रिश्ता है, हर साल कोशिश करती हूँ आ पाऊँ, अभी भी डायरेक्ट शूट से आई हूँ, बट आई एम हियर टुडे विद माई सिस्टर आरोही, सो या हियर टू हैव फन। मैम
आप क्या कहना चाहोगे? Well, I'm happy to be here for a change. और उनके साथ आई हूँ तो obviously I'm gonna enjoy and it's gonna be fun. शो के बारे में हम जानना चाहेंगे, काफ़ी आप धमाल मचा रही है हर शो में, शो में भी आप धमाल मचा रही है, टीआरपी में टीआरपी आ रही है दंगल में, क्या कहना चाहेंगे? करंटली एम डूइंग द शो नथ कृष्णा और गौरी की कहानी, और गौरी का कैरेक्टर फिलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड इट इज़ बिन लवली डूइंग इट. इट्स अ लवली कैरेक्टर विद ऑल द शेड्स एंड द शो इज़ यू नो गेटिंग टू मच लव एंड इट्स गोइंग ग्रेट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अब नए साल के साथ पाइपलाइन में जो कि धीरे धीरे आई अनाउंस. नए साल की शुरुआत होने जा रही है, कुछ पार्टी होगी 31st, 15 घंटा काम करना, मैं पार्टी के लिए कभी छुट्टी नहीं लेती हूँ. मेरी पार्टीज़ ना वेरी ऑनेस्टली ऐसी ही होती हैं, जैसे IWM बस की पार्टी हो गई या कोई और इस तरह की ऑफिशियल पार्टी हो गई, तो दीज आर बेसिकली माई पार्टीज़ एंड इसके अलावा मैं ज़्यादा पार्टी नहीं करती हूँ. आई एम मोर फोकस्ड ऑन वर्क. थैंक यू. एक थोड़ा सेट से बाहर निकल के कुछ नया आज की पार्टी के बारे में 31st की क्या कुछ प्लानिंग है? रेजोल्यूशन तो कोई नहीं, आई थिंक आपका हर दिन नया साल है, जैसे शाम ढलती है तो सूर्य चमकता है, आई थिंक आपको भी हर सवेरे सूर्य की तरह चमकना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए. रेजोल्यूशन आई थिंक वो लोग लेते हैं जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक दो घंटे का होता है मोटिवेशन, उसके बाद आपको कोशिश करती रहनी चाहिए आई थिंक. तो मोटिवेशन ना ले, आप लगे रहे आई थिंक, यही रेजोल्यूशन. शो में क्या होने वाला कुछ अगर आप बता सके आपके कैरेक्टर के बारे में, कुछ क्या हंगामा कर रहे हैं आप? आई एम प्लेइंग जीत इन नथ कृष्णा और गौरी की कहानी. तो शो में अभी बड़ा ट्विस्ट है, जीत की दो शादियाँ हो रखी हैं एंड द गर्ल हिज फर्स्ट वाइफ शी डोंट नो कि उसकी दूसरी शादी हुई है. तो अभी वही चल रहा है कि कैसे क्या मैनेज हो पाएगा. जीत बड़ा कंफ्यूज है कि क्या करे, धर्म संकट में फंस गया. थैंक यू. हैव ए नाइस इवनिंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. मैं बस अभी पहुंची हूँ अपने सेट से. सो अभी जस्ट पहुंची हूँ, शूट से आई हूँ, अभी मैं पार्टी एंजॉय करने वाली हूँ एंड अंदर जाके देखने वाली हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है क्या नहीं. सो यस, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही आई हूँ. या काफ़ी यूनिक आपने ड्रेस और नेकलेस पहने हैं, कुछ अगर आप बता सकें मतलब क्या है? मैंने थोड़ा सा फ्यूजन किया हुआ है मुझे, क्योंकि अच्छा लगता है अपने लुक के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना एंड यस, थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न फ्यूजन रखा है. दिस इज कॉट एंड लाइक यू कैन सी द वन नेक पीस एंड वन लाइक नोज रिंग, दैट्स इट. कुछ बताना चाहिए नए साल में क्या पार्टी करना है? नए साल में मैं कुछ सोचती नहीं हूँ एक्चुअली लाइफ में, लाइक God is being kind to me and I'm happy. जो भी अभी तक हो रहा है मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिले एंड 24 भी बहुत अच्छा जाए. मेरी तरफ से सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. अरे कॉलीज अंदर ही है, रिश्ता फैमिली ऑलरेडी अंदर, आई थिंक इट्स इनकम्प्लीट विदाउट मी, सो आई हैव टू जस्ट हरी अप एंड जस्ट गो इनसाइड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. आई थिंक आई मेड दिस आउटफिट वेरी सिंपल, मैंने ऑल ब्लैक ही कैरी किया है, जो कि मुझे जल्दी जल्दी में जो मिला आई जस्ट कैरीड इट आउट, सो मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया इन दैट सेंस. शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्यार आपको बहुत मिल रहा है शो में, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार आपको सोशल मीडिया से उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है? आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इट्स अ लेगेसी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ एंड आई एम रियली प्राउड टू प्ले माई कैरेक्टर विच इज़ क्रिस बंसल. एंड ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्यार मिला तो और ज़्यादा हमें आप लोग देख पाओगे एंड और ज़्यादा आपको मौका मिलेगा हमें विटनेस करने का, एंड होपफुली बहुत कुछ अच्छा चल रहा है हमारे शो का भी, सो हम और ज़्यादा स्टोरी लाइन के साथ आएंगे एंड आप सभी को लगातार एंटरटेन करेंगे. क्या कहना चाहेंगे आप
टीआरपी भी अच्छी आ रही है क्योंकि नया शो है, नए कास्ट है, तो टीआरपी कम आ रही थी लेकिन टीआरपी अच्छी आ रही है। पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? क्या सो टीआरपी से मुझे याद आया टुमारो इज थर्सडे, तो कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल हमारा टीआरपी अगेन आने वाला है एंड होपफुली बहुत ही अच्छा टीआरपी इस बार आएगा। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक इन टॉप 5 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ। तो जब नए लोग आते हैं तो एक चैलेंज होता है, बट लकीली उन ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है क्योंकि मेरी तो और लेट एंट्री हुई थी। लकीली ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड मी एंड आई एम रियली हैप्पी। इट्स अ वेरी गुड शो। I hope more and more people join and watch this show. भी आपने काफी चेंज किया है तो जी। पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहचान आपने पहचाना नहीं ना थोड़ा। बेसिकली लुक मैंने ऐसे ही चेंज किया था, मैं पक गया था एक हेयर स्टाइल से एंड आई वाज लाइक कि यूजली छोटे बालों में टीवी में एज ए लीड यू नो काम नहीं मिलता है, बट आई वाज लाइक ठीक है मैं थोड़ा अभी शादी हुई है थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा घूमूंगा, बट जैसे ही मैंने हेयर कट करा उसके 3 दिन बाद यहाँ से फ़ोन आता है एंड एवरीथिंग you know got locked or press when I started shooting, so I guess this look worked for me. Next saal ki kya taiyari hai? New year mein koi party karega ya kaam karega? Do din ki chutti mein hum zyada actually plan to yahi tha ki Mumbai ke bahar kahin jaye, but chutti kam hai to ja nahi payenge, so hopefully you know Mumbai mein hi house party with all the friends and colleagues. Thank you. फ्रेंड शैलजा एंड हम लोग पहली बार आए हैं, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। लेट्स सी अंदर क्या क्या होता है। सो यार प्लानिंग तो कुछ नहीं की है, आई थिंक वी हैव टेकन 2 आवर्स टू गेट रेडी, तो अंदर जाके फन करेंगे खाएंगे, दैट्स इट। सो हमने ब्यूटीफुल ड्रेसेस भी पहने हैं, हमने एक्चुअली एक्सचेंज की है, सो दिस इज हर ड्रेस एंड दिस इज माय ड्रेस, सो So yeah. It's like a best friend thing. Yeah. We keep exchanging dresses. I don't. अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। Yeah, अभी तक कुछ plan नहीं है, but yeah, obviously नया साल आएगा तो यार हम लोग पार्टी कहाँ की है? आई थिंक हम लोग लास्ट क्लबिंग सैटरडे गए थे, बट उसके पहले हम 2 महीने पहले गए थे। So it's like that. Life से break जरूरी है, I feel. आई थिंक इस बार माई फैमिली इज़ गोना कम टू बॉम्बे, तो फैमिली के साथ स्पेंड करने का प्लान है एंड या फ्रेंड्स भी आएंगे, वील थ्रो स्मॉल पार्टी एट हर ओन हाउस। या थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। सी यू, बाय। इधर 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 बाबू इधर इधर आ जाओ। ये बहुत एक्साइटेड है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोग कंटिन्यू शूट कर रहे होते हैं तो हमको ना ही रेस्ट मिलता है, ना ही हमें पार्टीज़ मिलती हैं, ना ही अपने जो फ्रेंड्स का या कलीग्स का बर्थडे होता है वहाँ जाने के लिए मिलता है। तो आज मैं सोच के आया हूँ कि मैं अंदर जाके डांस करने वाला हूँ, काफ़ी सारा खाने वाला हूँ, आज कोई डाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, खाएंगे और नाचेंगे और अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी लोग हैं हमारी को एक्टर जिनसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं तो सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगेगा, सबके साथ मिलके आई थिंक दो दो ठुमके तो बनेंगे। शो के बारे में जानना चाहूँगा, शो काफ़ी बेहतरीन है, हमने देखा है उसकी प्रोमो काफ़ी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? मतलब हर एक्सप्रेस हाईवे में आपके प्रोमो दिखे दंगल। हाँ, हाईवे पे हर जगह थे, 10-15 तो मैंने खुद देखे। मैं बहुत ऐसे ग्रेटफुल और बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि जब जिस शहर में आप आए थे और जब आपको कोई एक इंसान भी नहीं जानता था और वहाँ से बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर से ये सफ़र, तो मैं इमोशनल हो गया था और जब मैंने अपने होल्डिंग के बारे में सुना था या देखा था तो आई थिंक वो खुशियों के आंसू थे तो वो आ गए थे। बाकी जब हमने प्रोमो शूट किया तो मुझे अंदाज़ा था कि ये प्रोमो धमाल मचाने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत सुंदर। जब वो आया बाहर तो लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा साथ मिला, तो आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबका प्यार चाहिए, दुआएं चाहिए। और आपकी जो फोर्थ स्टार है वो भी काफ़ी स्टार की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए? देखिए जो अभी मेरी प्रेजेंट
लोगो आप बात कर रहे हैं, आ गए हैं। मुझे अभी दिखे थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, सो आ गई हैं जिनके जिनके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी हैं और प्रोफेशनल हैं, अच्छे से अपना टाइम की पाबंद हैं, आ जाती हैं, काम करती हैं, बढ़िया है। अभी आई थिंक हमारे उतने सीन्स नहीं हुए, सो अभी इनकी फैमिली का अलग है, मेरी फैमिली का अलग चलता है, साथ में कुछ सीन्स हुए हमारे, सो बाकी धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, हम लोगों के सीन्स आएंगे तो ज़्यादा हमें एक दूसरे के बारे में पता। मैम कुछ अलग कर रही है, आप कुछ बताना चाहिए आप, मतलब आईना? हाँ तो फालतू से बहुत डिफरेंट है सुनैना। फालतू जितनी मुँहफट थी सबकी बैंड बजा देती थी, सुनैना उसी के बिल्कुल अपोजिट है, एकदम मासूम सी जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो आई एम रियली एंजॉयिंग द यू नो द डिफरेंस, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैम आप बताइए, ये रिश्ता में भी आप काफ़ी धमाल मचा रही हैं, सर के साथ आपने काम किया है जी, आपके जो इवनिंग का स्लॉट काफ़ी हिट रहा है, अब आप 9 PM के स्लॉट में आ चुके हैं, कैसे लग रहे हैं? प्राइम टाइम एक्टर आप लोग हैं। प्राइम टाइम एक्टर बन के ऑफकोर्स अच्छा, मतलब स्टार प्लस में काम करना चाहती थी मैं, एंड होपफुली इस बार वो हो सका, 9:30 के प्राइम टाइम पे भी आ सके। एंड जनरेशन 4 थोड़ा प्रेशर था, बट धीरे धीरे करके आई एम हैप्पी दैट अबीरा कैरेक्टर इज ग्रोइंग ऑन पीपल एंड अच्छा लग रहा है, यही चाहिए था बस थोड़ा सा प्यार। टीआरपी भी अच्छी आ रही है, अच्छी पहले टीआरपी थोड़ी कम थी लेकिन अभी बहुत बेहतरीन अब हो गई है, काफ़ी हो रही है, और सोशल मीडिया में बहुत प्यार मिल रहा है, आप कैरेक्टर को क्या कहना चाहते? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, सबको प्यार चाहिए होता है आई थिंक, एंड इनफैक्ट इनका भी शो मैंने देखा है, मैंने 6-7 एपिसोड खुद देखे हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस शो, एंड मैंने तो एक ही एपिसोड देखने का सोचा था कि मतलब यू नो आई हैव टू सी, बट है इतना हुक, आई गॉट इनटू हुक, सो हुक ऑन टू इट दैट वो मिस्ट्री जो सो मच, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई वॉच। मैंने भी इनके ये रिश्ता के एपिसोड देखे हैं, वॉज अ पार्ट ऑफ ये रिश्ता, सो आई एम रियली लाइकिंग दैट शी इज टेकिंग ऑन द लेगेसी एंड शी इज डूइंग वंडरफुल। हाँ सो ये हमारी नई को एक्टर आ गई, ये सावी आ गई, ये कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। स्टडी गो आई थिंक डिसम्बर इज द फ्लेवर, यू नो इट्स द फ्लेवर ऑफ द होल ईयर, तो मेरा तो फेवरेट मंथ है बिकॉज देर आर मल्टीपल पार्टीज एंड इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो मुझे लगता है जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं ना उसमें सबसे ब्राइटर और हैप्पियर आई थिंक डिसम्बर होता है बिकॉज इट लीड्स टू क्रिसमस न्यू ईयर, एंड जो भी अच्छा बुरा हुआ होता है वो हम पिछले साल में छोड़ के आगे जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो दैट्स माई थिंग, दैट्स व्हाई आई बिलीव इन सांता क्लॉज, इवन आई बिलीव इन सांता क्लॉज, वो विश पूरी करते हैं मेरी की है। I know it. I would give her a world tour, which she's been really waiting for since a really long time. So I want to give her that. I don't want to give him anything. I want to take now. It's my turn. Give it to me, baby. देखो आपका सवाल ही गलत है कि बिग बॉस आप कितना देख रहे हो, आप कैसे पूछ सकते हो? You have to understand that Big Boss मैं ऑफकोर्स पूरा देख रही हूँ because मेरे जान पहचान और प्यार यार परिवार मेरा दोनों वहाँ है, so of course, and I'm a Big Boss fan also, was actually until season 17, तो मज़ा तो आ रहा है but मुझे ऐसा लगता है कि Big Boss खुद एक contestant बन गए हैं और वो चाहते हैं कि ट्रॉफी शायद उन्हीं को मिल जाए, इसलिए वे सबका गेम आउट करते रहते हैं। तो मेरे मेरे तीन फेवरेट्स है, that is Ankita first, second is Vicky and third is Rinku. Yeah, same. Because Rinku is my sali, so it's like that. Adi but Garwali. Still, I feel that she's playing a better game right now. She's playing a good game, yeah. And I think Ankita is a deserved winner. She's the queen. Vicky is the king. किसने? हाँ बट यार इतनी तो बदतमीजी मुझे लगता है घर में भी होती है यार, अपने खुद के घर में भी होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो, बट मैंने लाइव में जितना देखा है, मैं थोड़ा बहुत लाइव भी फॉलो करती हूँ, तो ईशा इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स रिंकू दीदी,
So I think it's all cool. It's all in the spirit of the game. It's all a game. And I'm sure Rinku Didi bhi isko, you know, she doesn't hold it against Isha. So it's cool. It's all in the game. I like Isha. But this year is about that. Big Boss biased hota tha, Rinku Didi kyun nahi ho sakti biased? Yeah, it's okay. So it's you live up to your relationship, you live up to your choices that you've made in the house. I think when you play a game, you follow the rules and regulation. And I think that's the rule and the regulation to be biased. Yeah. So I don't see anything wrong. She's cool. She's playing very well. I think ye bahut acha flavor lekar aa rahi hai Rinku Didi. Ki 11th week mein bhi unke itne aise massive jhagde aur big ऐसे ऐसे शब्द दिया जो भी उनका झगड़ा इतना उस लेवल पे नहीं गया था आई थिंक शी इज गिविंग अ गुड फ्लेवर और एवरीबॉडी डजंट वांट्स टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ फाइट इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स व्हिच डजंट कंसर्न देम सो आई थिंक इट्स फेयर एनफ हाँ मुझे भी लगता है कि मुनव्वर का गेम फेक है बिकॉज मैं उसके साथ रोई थी जिस एपिसोड में वो रोया था आई क्राइड विथ हिम जेन्यूनली एज एन ऑडियंस आई वॉज फीलिंग बैड कि यार बिग बॉस क्यों कर रहे हैं ऐसे पर्सनल चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हैं यू नो सबके सामने इट्स हिज पर्सनल लाइफ वाई आर यू रैटिंग हिम आउट बट वेन द नेक्स्ट डे आई सॉ दैट प्रोमो ऑफ ही आस्किंग कि मैं ये शर्ट पहनूँ आई थिंक आई जस्ट कम्प्लीटली लॉस रिस्पेक्ट बकवास मुझे लगता है मुनव्वर मतलब टू बैड नज़र से गिर गया मेरी तो खत्म गेम ओवर यार सबका अपना एक होता है यार But you can't cheat your audience. Munawar cheated his audience. I cried. Hi. I cried for Munawar and he was not worth my tears. So, loser. I just feel it's too personal. Yeah, it is personal. He made me cry and he didn't justify. You cannot justify. Go that personal with he was, anyone. Yeah, not good. Not good. I don't like Munawar anymore. Thank you. My pleasure. Yes, Adam ji. How are you?